बिग बॉस ओटीटी 3 का आज ग्रैंड फिनाले होने वाला है। दर्शकों को अभी से ही रात के 9 बजने का इंतजार है, क्योंकि रात बजे से बिग बॉस ओटीटी 3 का ग्रैंड फिनाले एपिसोड ऑन एयर होगा। वहीं विनर के नाम को भी सोशल मीडिया पर कयास लगाए जा रहे हैं। यूजर्स का यही कहना है कि नेजी या फिर सना मकबूल में से कोई एक खिलाड़ी बिग बॉस ओटीटी 3 की ट्रॉफी अपने नाम कर लेगा और अपने घर ले जाएगा। वहीं इसी बीच सुनने में आ रहा है कि लव कटारिया और अरमान मलिक बिग बॉस ओटीटी 3 के ग्रैंड फिनाले का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन ये क्या वाकई ऐसा कुछ होने वाला है, आइए बताते हैं आपको। लव कटारिया का बिग बॉस का सफ़र फिनाले से कुछ दिन पहले ही ख़त्म हो गया। वो टॉप 5 में अपनी जगह बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। वैसे ही दर्शकों को पूरी उम्मीद थी कि लव कटारिया ही बिग बॉस ओटीटी 3 की ट्रॉफी अपने नाम कर लेंगे और अपने घर ले जाएंगे, लेकिन अंत में घर वालों के आधार पर लव को घर से बेघर कर दिया गया, क्योंकि वोटिंग के आधार पर लव को बाहर नहीं किया जा सकता था। जैसे ही लव घर से बाहर निकले, सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। सभी दर्शक मेकर्स पर भड़क उठे, क्योंकि उन्हें लव का एविक्शन बिल्कुल भी फेयर नहीं लगा। लव कटारिया को बहुत से लोग सपोर्ट कर रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि वो टॉप 2 फाइनलिस्ट में ज़रूर अपनी जगह बना सकें, लेकिन मेकर्स की चाल की वजह से लव कटारिया बाहर आ गए। लव बाहर हुए, इसके बाद उनके फैंस ने उन्हें यही सलाह देना शुरू किया कि उन्हें बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मेकर्स ने जानबूझकर उन्हें शो से निकालने की साजिश की। इसी तरह लव के तमाम फैंस ने बिग बॉस ओटीटी 3 का ग्रैंड फिनाले ना अटेंड करने की सलाह दी। हालांकि अब कटारिया ने खुद बताया कि वो बिग बॉस ओटीटी 3 के ग्रैंड फिनाले का हिस्सा बनेंगे या नहीं। लव कटारिया ने अपना एक वीडियो साझा किया जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने बहुत से कमेंट देखे, लोग कह रहे हैं कि आपके साथ गलत हुआ, बुरा हुआ, फिनाले में मत जाना, लेकिन मेरे दिल में उस प्लेटफॉर्म की पूरी इज्जत है और वो इज्जत नहीं गिरनी चाहिए। आप लोगों ने जो बोला, मुझे कहा, वो सब गलत हुआ, उसका कोई बात नहीं, आपका ओपिनियन बढ़िया है और मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा ही लगा, लेकिन कहते हैं कि सभी चीज़ें किसी ना किसी वजह से होती हैं, हर चीज़ जो होती है अच्छे के लिए होती है, इसको एक सीख के लिए एक्सपीरियंस के रूप में लेना चाहूँगा, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही तकड़ा रहा। वहीं यूट्यूबर अरमान मलिक ने अपनी दोनों पत्नियों के साथ शिरकत की थी, खूब लाइमलाइट लूट ली। अब अरमान की दो शादियों की चर्चा पूरे सीज़न के दौरान होती आई और बार बार हर चीज़ ने सवाल उठाए। अरमान, पायल और कृतिका शुरुआत से ही अपने रिश्ते को लेकर सफाई पेश करते आए, लेकिन अरमान के दूसरी शादी के फैसले को कोई भी सही मायने में नहीं आया। खैर, शो के अंदर अरमान ने जब विशाल पांडे को थप्पड़ जड़ दिया तो काफ़ी बवाल भी मचा। अब जब अरमान मलिक बिग बॉस ओटीटी 3 के फिनाले से बाहर हो गए हैं तो उन्होंने बाहर जाते ही एक पोस्ट किया। अरमान ने अपने एविक्शन इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें विशाल और लवकेश आपस में बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि बिग बॉस ओटीटी 1 की विनर दिव्या अग्रवाल रही थी, जिसे करण जौहर ने होस्ट किया था। वहीं सीजन 2 की विनर अल्पेश यादव रहे, इसके होस्ट सलमान खान थे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जीत की ट्रॉफी कौन अपने घर लेके जाने वाला है। इन टॉप 5 में से कोई एक ही बनने वाला है बिग बॉस ओटीटी 3 के घर का विनर। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वेल इंडिया।